अच्छा बॉयज, इस तरह करो कि सर मुझे जरा पहले जनरल डेफिनेशन ऑफ वेक्टर बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ वेक्टर जो तुम लोगों ने बुक में पढ़ी या फिर एनीथिंग लाइक दैट। सर वेक्टर यूज करते हैं हम रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को किसी भी क्वांटिटी की। ओके, सो दिस इज मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, सही है। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या कहते हैं फिर स्केलर क्या होता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नाउ लाइक ओके हम okay. लोग सही है। एक तीसरे का भी तुम लोगों ने नाम सुना होगा, टेंसर होगा राइट। यस सर नाम सुना हूँ मैं। हाँ ये तुम लोग के कोर्स में वैसे नहीं है। ओके सो वेक्टर इज मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन एंड स्केलर वो क्वांटिटी जिसका सिर्फ डायरेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल मिसाल लेते हैं, व्हाट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस इज स्केलर और वेक्टर। सर डिस्टेंस स्केलर है ओके व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। वो सारे वेक्टर है। ओके डिस्टेंस इज स्केलर एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, वेरी गुड। अब खुद सोचो अगर डिस्टेंस में किसी चीज के साथ हम क्या कहते हैं मैनिपुलेशन करेंगे और डिस्प्लेसमेंट में करेंगे, दोनों के रिजल्ट्स डिफरेंट आएंगे ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करूंगा क्या आता है हमारे पास। सर स्पीड यस स्पीड। स्पीड स्केलर है या वेक्टर है। सर वो भी स्केलर ओके। और अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को मैं टाइम पे डिवाइड करूंगा तब मेरे पास क्या आएगा। वेलोसिटी वेक्टर है या स्केलर है। वेक्टर वेक्टर है यस। सो यू पीपल नो के हाउ अ वेक्टर इज, क्या कहते हैं डिनोट किस तरह किया जाते हैं। सही, वो अभी आगे चल के आ जाएगा। अच्छा सो वेक्टर इज यूजुअली रिटन एज लाइक ए बी वेक्टर। ए ये बी लिख इस तरह जाता है, ए इससे एरो लगे बी तक, मतलब ए से लेकर बी तक ये एक वेक्टर है। एरो होता है ए से लेकर बी तक, सही है ना। ए बी एक वेक्टर होता है। ओके बाकी तुम लोग को पता है ना कि क्या कहते हैं क्वांटिटीज क्या होती है। एनीथिंग दैट इज कैन बी मेजर्ड। क्वांटिटी क्या होता है, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, सही है। लाइक टेम्परेचर मेजर हो सकता है, हाइट मेजर हो सकता है, मास मेजर हो सकता है, सही है। मतलब व्हेन वी से 5 kg डंबल्स इट कैन बी मेजर्ड, व्हेन वी से 7 inches और 7 foot हाइट इट कैन बी मेजर्ड, सही है ना। एंड सो ऑन, टेम्परेचर भी क्या कहते हैं मेजर किया जा सकते हैं। ओके फिर उसमें दो टाइप्स आ जाती है, वन इज स्केलर, वन इज स्केलर एंड वन इज वेक्टर। नाउ यू नो कि बोथ दोनों क्या होती है। स्केलर वो होती है जिसको क्या कहते हैं, मतलब जिसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड से ताल्लुक रखते हैं, सही। मतलब इफ आई जस्ट आस्क यू कि भाई को किस स्पीड से चल रहा है, सही है ना। मतलब किस स्पीड से चल रहे हो, दिस इज जस्ट आई एम आस्किंग फॉर द मैग्नीट्यूड। बट इफ आई आस्क यू कि कौन से डायरेक्शन में चल रहे हो, मतलब नॉर्थ ईस्ट में चल रहे हो, नॉर्थ वेस्ट में चल रहे हो, तुम्हारा प्लेन किसकी तरफ जा रहा है ना। सो यू से आई एम गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ना, तो देन यू आर टेलिंग योर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सो देन इट बिकम्स अ वेक्टर। उसमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट आ जाते हैं ना। रिमेंबर वन थिंग कि जो तुम लोगों का एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, इसका पर्पज ही है टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम पढ़ते हैं ना, इसका मतलब यही कि टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। अब वो रिप्रेजेंट क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं, वो पर डॉट उस प्रोडक्ट में मैं तुम लोगों को समझा दूंगा। बिकॉज अगर ये ना होता देन इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू डील विद इट। इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू डील विद इट। तुम लोगों को किस तरह पता चलता कि अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं उसमें कॉस थीटा होता है, कॉस तो सेकंड नेगेटिव होता है, पहले में पॉजिटिव होता है, एंड सो ऑन। तो दैट्स व्हाई वी नीड दिस एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, व्हिच आई एम अज्यूमिंग कि यू ऑलरेडी नो, सही है। ये तो सबको क्लियर हो गया है राइट। जी सर जी ओके सही है। सो इसमें फिर आगे आ जाते हैं ना कि तुम लोग के वेक्टर सबसे यूजुअल कौन कौन से वेक्टर है। सो यू पीपल नो कि वेलोसिटी वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी वेक्टर है, स्केलर है, एनीवन। स्केलर वेरी गुड, स्केलर है, यस वेरी गुड वेरी गुड। और एक्सेलरेशन भी क्या कहते हैं वेक्टर है। ओके वेरी गुड। अच्छा सो व्हिच पेयर कंटेन्स वन वेक्टर एंड वन स्केलर। व्हिच पेयर कंटेन वन वेक्टर एंड वन स्केलर, सही है। सो इट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक्सिलरेशन एंड देन फोर्स एंड काइनेटिक एनर्जी एंड देन मोमेंटम एंड वेलोसिटी एंड देन क्या कहते हैं पावर एंड स्पीड, विच वन। सर ये काइनेटिक एनर्जी वाला फोर्स यस वाला फोर्स, मैं तो थोड़ा फोर्स फोर्स इज अ वेक्टर, काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर। तो इसमें इसने मुश्किल एमसीक्यूज बन ही नहीं सकते, इट इज एन इजी टॉपिक, सही है ना। ये तुम लोग को प्रॉपरली आते हैं। अच्छा वेक्टर में तीन चीजों के साथ हमें डील करना पड़ता है। वेक्टर एक वेक्टर होता कब, मतलब व्हेन देयर इज अ वेक्टर, व्हेन कैन यू से कि दिस थिंग इज अ वेक्टर। मैं मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल
काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वेयर। और भाई कोई कहे कि वेलोसिटी क्या कहते हैं वेक्टर है, सो व्हाई इज काइनेटिक एनर्जी नॉट अ वेक्टर, कभी सोचा है? मतलब इट हैज क्या कहते हैं, मैं कह सकता हूँ कि चलो क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड तो होता है, चलो डायरेक्शन भी देते हैं, कोई कहे भाई इतने डायरेक्शन में क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी चल रही है, बट व्हाट इज द थर्ड थिंग दैट मेक्स इट अ वेक्टर। इसके तीन रूल्स होते हैं, वन इसका डायरेक्शन होना चाहिए, वेक्टर नंबर वन क्या कहते हैं जो डिफरेंशिएशन होता है वेक्टर के लिए, पहला रूल होना चाहिए इट मस्ट हैव अ मैग्नीट्यूड, नंबर टू इसका क्या कहते हैं डायरेक्शन होना चाहिए, एंड व्हाट इज द नंबर थ्री, एनीवन रिमेंबर्स? इट शुड फॉलो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। सही है ना, वेक्टर्स फॉलो ट्राइंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, ये बात याद रखना, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन इन शॉर्ट, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ये फॉलो करे, इट फॉलोज अ लॉ, देयर इज अ लॉ व्हिच इज फॉलोड बाय ऑल ऑफ द वेक्टर्स, सो इफ इट फॉलोज इट मतलब जो क्वांटिटी होगी वो अगर उसको फॉलो करती होगी देन यू कैन नेम इट इज अ वेक्टर। इज दैट ओके बॉयज, क्लियर हो गया? जी सर जी, क्लियर होगा। ओके। अच्छा अगर मैं तुम लोगों को बोलूँ कि एक टेप है, सही है, एक टेप, वो वाटर का टेप होता है ना, वाटर नल का, सही है ना, अगर वो फॉर एग्जांपल एक टेप है ना, एक से क्या कहते हैं 3 लीटर पर सेकंड आ रहा है पानी, एक से 4 लीटर पर सेकंड पानी आ रहा है, तो 1 सेकंड में टोटल इनफ्लो कितना होगा, टोटल इनफ्लक्स, टोटल इनफ्लो कितना होगा, टोटल पानी एक उसमें कितना आ रहा होगा, सर दोबारा बोलें, क्या बोला? मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक टेप है दो नल के, सही है, दो टेप है, एक से 1 सेकंड में 3 लीटर आ रहा है, दूसरे से 1 सेकंड में 4 लीटर पानी बाहर आ रहा है, टोटल इनफ्लक्स, टोटल इनफ्लो कितना होगा, टोटल कितना आ रहा है 1 सेकंड सेवन में? सर जी, यस सेवन आ क्योंकि, रहा है। यस क्योंकि दे कैन बी एडेड एज स्केलर्स। अगर कोई बोल नहीं सकता, खैर कोई इशू नहीं, तुम लोग चैट में भी वो कर सकते, मैं पढ़ लूंगा। ओके कौन मुझे बता सकता है कि चार्ज वेक्टर है या स्केलर है? सर स्केलर, स्केलर, यस वेरी गुड, चार्ज इज स्केलर। इसका ये चार्ज जो स्केलर है ना, उसकी वजह यही है ना कि क्या कहते हैं ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को, सॉरी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते, दे आर एडेड स्केलरली, वो स्केलरली उसको हम ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम लोग बोलूं करंट क्या है, वैसे करंट इज अ वेक्टर और अ स्केलर? सर वेक्टर स्केलर। हाँ करंट भी स्केलर है भाई, तुम वेक्टर स्केलर को टाइम पे डिवाइड कर रहे हो, चार्ज जी अगर जी सर स्केलर जी, है तो वेक्टर भी तो स्केलर, इसलिए तुम लोगों ने वो करंट्स का वो पढ़ा होगा ना कि क्या कहते हैं 5 एम्पेयर आ रहा है, 5 एम्पेयर आ रहा है, तो आउट टोटल आउट गोइंग कितना है 10 एम्पेयर, और पढ़ा है ना जी सर, इनपुट तुम बोल करंट रहे इज जी इक्वल टू जी आउटपुट ऑफ द करंट, यस, तो वो वही वाला सीन है, सही है ना? सही हो गया सर। हाँ ओके वेरी गुड। अच्छा वेक्टर्स के कुछ क्या कहते हैं खासियत वगैरह पढ़ लेते हैं, वेक्टर्स इस तरह होते हैं ना कि दे हैव द टेंडेंसी टू कैंसिल ईच अदर। फॉर एग्जांपल मैं तुम लोगों को मिसाल दूं, ये एक बॉडी है, इस पे 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लग गया, 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लग गया, नेट फोर्स कितना है इस बॉडी पे? सर जीरो। यार नोमान भाई थोड़ा तो वेट करो, थोड़ा तो टाइम लगेगा ना अगर मैसेज किया। अच्छा हाँ 0 लगेगा, अब कॉमन से मतलब ये बहुत इजी इजी चीज है, लेकिन थोड़ा सा वेट करो आ जाएगा, तुम लोगों को बिल्कुल नहीं चाहिए ना वो आ जाएगा। एनीवेज अच्छा ये 0 हो गया, अब ये तो तुम लोग कॉमन सेंस से देख सकते हैं कि व्हेन देयर इज अ बॉडी उस पे एक वेक्टर इधर लगे एक वेक्टर उधर लगे, सो वो 0 हो जाता है, सो व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस? फॉर एग्जांपल एक वेक्टर इधर 5 न्यूटन का लग रहा है और एक क्या कहते हैं इस तरफ भी 5 न्यूटन का लग रहा है, रिजल्टेंट कितना आएगा? सर 10, और उस डायरेक्शन में आएगा, राइट साइड की डायरेक्शन में, सही? नुमान भाई आप सिर्फ क्या कहते हैं ये मुझे याद दिलाने के लिए इधर आ गए थे कि रिप्लाई कर दो तुम्हें 10 न्यूटन, और याद रखना कि 10 का थोड़ा सा एरो बड़ा होना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली ये डायरेक्शन में थोड़ा सा ज्यादा है। गुड हो गया बॉयज, गुड हो गया सर जी। ओके सही है। अब मुझे एक बात बताओ, फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, अच्छा फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं एक वेक्टर है ना, एक वेक्टर है और क्या कहते हैं उसके साथ में एक नंबर मल्टीप्लाई करो, फॉर एग्जांपल अगर क्या कहते हैं वो नंबर कुछ भी हो सकते हैं, सही है ना, अगर एक वेक्टर है फॉर एग्जांपल एफ, इसके साथ मैंने 2 मल्टीप्लाई करा, 2 टाइम्स ऑफ एफ, तो क्या हो जाता है वेक्टर के साथ, क्या हो जाता है, क्या डिफरेंस आ जाती है जब मैं स्केलर मल्टीप्लाई करूंगा, अ स्केलर व्हिच इज ग्रेटर देन 0, क्या होता है? सर उसकी मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाती है। यस 2 टाइम्स ऑफ दैट मैग्नीट्यूड जो ओरिजिनल होता है, सही है ना, जो उसके ओरिजिनल होता है वही होता है। फॉर एग्जांपल एफ हो गया,
तो क्या कहते हैं, अगर मैं इसके साथ 0.5 मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.5 टाइम्स ऑफ एफ हो जाएगा, सही है। और ये एन जो होगा इट कुड बी एनी नंबर बट ग्रेटर देन 0। अगर मैं एन इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई करूं तब क्या हो सकता है, एनीवन? मैग्नेटिक्यूड डिक्रीज कर जाएगी, -1 मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर जाएगा। हाउ अबाउट इफ आई से कि इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर देगा? डायरेक्शन सर, डायरेक्शन चेंज। डायरेक्शन रिवर्स करेगा, यस, डायरेक्शन चेंज, यस। ओके, प्रोडक्ट ऑफ एन नंबर क्या कहते हैं, अब क्या कहते हैं, थोड़ा सा वो कर लेते हैं, एमसीक्यूज वगैरह कर लेते हैं, सही है। मुझे एक बात बताओ कि क्या कहते हैं, एन टाइम्स ऑफ अ वेक्टर ए, एन टाइम्स ऑफ अ वेक्टर ए, ए एक वेक्टर है, एन एक क्या कहते हैं, एक कुछ भी हो सकता है, बट व्हाट इज दैट एन? अब ये एन क्या हो सकता है, अगर मैं वेक्टर के साथ कुछ मल्टीप्लाई करूंगा, इट मस्ट हैव बीन अ स्केलर, इट मस्ट हैव बीन, इट कुड बी अ वेक्टर, सही है, बट हाउ डू वी डू इट? एन क्या है, नंबर है क्या, एन एक नंबर है, या फिर एन क्या कहते हैं, नंबर लेस देन 0 है, या फिर क्या कहते हैं, एन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर अच्छा, या फिर एन फिजिकल क्वांटिटी है, कौन सा आंसर है? फिजिकल क्वांटिटी। यस, फिजिकल क्वांटिटी। यार देखो, जो तुमने कहा ना ग्रेटर देन 0, तो क्या कहते हैं, यू जरूरी तो नहीं है, तुम लेस देन 0 भी तो कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, इट इज ऑलवेज अ स्केलर, स्केलर मल्टीप्लाई हो सकते हैं, वो एक स्पेसिफिक केस है, अगर ग्रेटर देन 0 करेंगे तो उतना मैग्नीट्यूड उसका बड़ा हो जाएगा, सही है ना? ठीक होगी हाँ, जी सर, लेकिन एन सही फिजिकल क्वांटिटी, अब इसकी जरूरत नहीं। फॉर एग्जांपल, वेलोसिटी क्या है तुम लोग के पास, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है, बट अगर मैं मास एक स्केलर में वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, अब ये क्या है? सर, अब स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी फिर। नहीं सर, ये कोई क्वांटिटी भी कौन सी है? ये सर, अब मोमेंटम। हाँ, मोमेंटम। सो जो तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो एक वेक्टर के साथ ना, दैट कुड बी अ, दैट शुड बी अ फिजिकल क्वांटिटी। गुड हो गया ना? ठीक हो गया सर। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इफ आई एम गेटिंग एन टाइम्स ऑफ ए, एन टाइम्स ऑफ ए, एन टाइम अ वेक्टर ए इज इक्वल टू, इज गिविंग मी अ नल वेक्टर, फॉर एग्जांपल, अ नल वेक्टर, सो व्हाट इज द एन, एन क्या है फिर? सर 0। वेरी गुड, यस, 0, वेरी गुड, तो ये 0 हो गया, वेरी गुड। अच्छा, मुझे अब ये बताओ कि क्या कहते हैं, अगर क्या कहते हैं, अगर एक वेक्टर हो ले लूं मैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से वी ले लूं, वी ले लूं या एफ ले लूं, एक वेक्टर मैंने ले लिया ना, क्या कहते हैं, इसके साथ मैंने एक नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब एक चीज मल्टीप्लाई कर दिया, एक चीज मल्टीप्लाई कर दिया, वो क्या क्या हो सकती है, मतलब विच वन कैन बी करेक्ट, नेगेटिव हो सकता है वन नंबर, या कितने, वो डायमेंशनलेस हो सकता है, डायमेंशनलेस, या फिर वो डायमेंशनलेस स्केलर हो सकता है, व्हाट डू यू थिंक? डायमेंशनलेस स्केलर नेगेटिव भी दे हो सकते हैं ना, या फिर ऑल, ऑल सर, हो गए सर। यस, ऑल ही होगा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मतलब ये तुम लोग क्या कहते हैं, जो बेसिक चीजें वाला स्टफ है, यू पीपल डेफिनेटली नो दिस, सही है। अब थोड़ा सा क्या कहते हैं, आगे चले जाते हैं। सो यू पीपल हैव इश्यू इन रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर, सही है, तो वो पहले कर लेते हैं। पहले मुझे ये बताओ कि फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा क्या कहते हैं, ये एक बंदा है, सही है, वो इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ओके, 0 सर, इसका नेट डिस्टेंस कितना हुआ? वो फिर 4, अगर एक लेंथ की अगर एल है ना तो 4L हो जाएगा फिर। हाँ, वेरी गुड, ये अगर एल है, ये भी एल मान लो, ये भी एल, ये भी एल, तो 4 टाइम्स ऑफ एल हो गया, वेरी गुड, इसलिए क्या कहते हैं, इसका क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट इसका 0 होगा, वेरी गुड, यू अंडरस्टैंड दिस? अब एक फिगर बना लेते हैं, फिगर के मुताबिक उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तुम लोगों ने नोटिस किया कि यहाँ पे वेक्टर्स अपने एक दूसरे के इफेक्ट कैंसिल कर रहे हैं, जो मैंने बताया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलना कि मैं पहले इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर आके मतलब दोबारा इधर आया, मैं जरा ये कैंसिल कर, ओके, ओके, एक सेकंड बॉस, मैं एक बंदे को रिमूव कर रहा हूँ। हाँ, ओके, अच्छा, मैं स्टार्ट में इधर था, फिर इधर था, फिर नीचे आया, फिर वापस उस जगह पे आया। तुम लोगों ने नोटिस किया कि अगर ये एक वेक्टर मैंने बनाया, फिर ये दूसरा वेक्टर मैंने बनाया, फिर ये तीसरा वेक्टर मैंने बनाया, और फिर ये, तुम लोग नोटिस करो कि ऑपोजिट वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इफेक्ट है, अगर तुम लोग देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये न्यूटन फोर्स इधर लगा रहा हूँ, ये जो ऊपर मैंने लगाया है,
ये वाला फोर्स न्यूटन मैं इधर लगा रहा हूँ, ये फिर इधर लगा रहा हूँ, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं या नहीं। सिमिलरली अगर मैं ये वाला इधर लगा रहा हूँ और ये वाला इधर लगा रहा हूँ तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। सो दैट इज वाई माई नेट डिस्प्लेसमेंट या फिर नेट वेक्टोरियल सम इधर तक जीरो हो जाएगा। ये सबको क्लियर है बॉयज? जी सर, बिल्कुल क्लियर। ओके। कौन मुझे बता सकता है इसकी लेंथ कितनी होगी? इस वाले, इस रेड लाइन की लेंथ कितनी होगी? फिफ्टीन। बॉयज बोलो ना कितनी होगी? बॉयज सर ये ट्रायंगल बन रहा है ना, वो फिर एक वो फाइव और बेस नीचे फिफ्टीन हाँ, हो वेरी जाएगी, गुड वेरी गुड। 15 नहीं होगी, फिर नीचे 15। ये फॉर सर एग्जांपल बेस ये 10 फिफ्टीन हो हो गया, जाएगी ना। ये 10 हो गया, और ये क्या नहीं कहते हैं, बेस ये तो 15 हो जाएगी बेस की बात नहीं कर रहा, इस वेक्टर, ये इस लाइन की बात कर रहा हूँ। सर, वो फिर हम फाइंड कर लेंगे ना इसका, तो कर लो हाँ एक ना, ना हाइपोटेटिस। हाँ तो कर लो ना, तो वही तो करना था, यही डिस्प्लेसमेंट तो फाइंड करना था लास्ट पॉइंट तक। तुम लोगों ने बेस का आंसर 15 बताया, विच वाज करेक्ट। फाइंड करो एंड देन लेट मी नो। सर ये वाला दोबारा समझा दें। सॉरी सर ये दोबारा समझा दें, समझ नहीं आ रहा। यार भाई, देखो आपको क्या कहते हैं, पहले आप इधर खड़े थे, देन आप 10 यूनिट्स ऊपर चले गए, आप यहाँ तक आ गए, देन 10 यूनिट्स आप इधर चले गए, और फिर क्या कहते। सर वालेकुम सलाम फरहान, ये तुम हो? सलाम अलैकुम। मैंने वालेकुम सलाम बोल दिया, क्या करते, दो बार बोलो। खैर एनीवेज, अच्छा भाई आपका नाम क्या है वैसे, इस जो अभी के? ये म्यूट भी नहीं सर हो रहा जी था स्क्वायर रूट ऑफ क्या? 250, सर स्क्वायर रूट ऑफ 250। उसको वो भी कर लो ना, 25 टाइम्स। यस तुम्हारा करेक्ट ही है, इसको कर लो, क्या कहते हैं, 25 टाइम 10 एंड 5 स्क्वायर रूट 10, सही हो गया। सर स्क्वायर रूट ऑफ सही टू हो गया फिफ्टी 15.5 नहीं बनता ऑलमोस्ट। यार, तुम प्लीज एक मिनट जरा सबर करो भाई। वो किसने अभी सवाल पूछा था कि ये उसको समझ नहीं है, वो जरा अपना बताए अपना। सर तला यूनिस अच्छा सही है ना भाई, ये ना क्या कहते हैं कि 10 आपने इधर चले गए, फिर 10 क्या कहते हैं आप इधर चले गए, और फिर इतने यूनिट्स आप इधर आ गए, सही ना। तो ये जो आपको फिगर गिवन है, ये आप नोटिस कर ले कि ये 10 अगर इधर होगा तो 10 इधर भी होगा, रेक्टेंगल बन रहे हैं। 5 अगर इधर होगा तो ये 5 इधर होगा, और ये 5 की हाइट गिवन है, तो 10 + 5 के नीचे क्या हो गया, बेस कितना हो गया, बेस टोटल हो गया 10 + 5। परपेंडिकुलर इसका कितना बन रहा है, परपेंडिकुलर इसका बन रहा है 5, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, पाइथागोरस लगा लोगे तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 250 आ जाते हैं, और स्क्वायर रूट ऑफ 250 को सिंप्लीफाई करके ये बनता है। अच्छा बॉयज ये सब कुछ समझ में आ गया, होप सो राइट। कौन मुझे बताएगा ये एंगल कितना बनेगा वैसे, ये थीटा कितना होगा? सर 25 सॉरी45 ही होगा सर। ऑल के बंदो, 45 किस तरह बन रहा है? सर सर ट्वेंटी एक फाइव 90 हो गया तो 2 45 लगा लें आप, दोनों 45 हो गए ना।
वेरी ट्वेंटी नाइस। फाइव बनेगा। अबे नलाई को ये परपेंडिकुलर है, ये इसका टोटल बेस है। 5 डिवाइड बाई 10 इनवर्स ऑफ 5 डिवाइड बाई 15 करना है। 10 इनवर्स ऑफ 1 डिवाइड बाई 3। यार ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर 5 हो गया, नीचे टोटल बेस 10 हो गया, टेन जी, सर प्लस समझ फाइव आ रही है, आ गई है। ओके वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताओ अरे बात थी सर, फिर मैं क्लास यार, तुम सर सिर्फ एक बात मैंने फरहान को रिमूव कर दिया, कोई समझ सकते कि पहले नेट टिक करके आ जाए फिर इसको अलाउ कर दिया जाएगा, सही है? क्योंकि अभी वो मुझे व्हाट्सएप पे स्पैम करेगा फिर। ओके तो यहाँ सर, तक तो टेन सब इनवर्स 1/3 क्या होता है? यार भाई, तो कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कैलकुलेटर अलाउड नहीं, तो 10 इनवर्स 1/3 ऑप्शन में होगा टेस्ट में, सही है ना? ओके सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर क्या कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक फिगर बन रहा हो, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा यहाँ पे आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, तो इसका क्या कहते हैं कितना वो बन रहा है, क्या कहते हैं वेक्टोरियल सम कितना बन रहा है इस बंदे का, वेक्टोरियल सम डिस्प्लेसमेंट फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको बोल दें, फिर इसको कितना बन रहा है? सर डिस्प्लेसमेंट जीरो वेरी गुड। इससे जीरो हाँ, इससे एक बात आती है कि अगर तुम लोग का इक्वल एंगल्स बन रहे हो, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60-60 डिग्री के एंगल्स होते हैं, सही है ना? अगर इक्वल एंगल्स बन रहे हो ना, तो वो सारे जितने वो कवर किए होगे ना, जितने वेक्टोरियल होगे, तो उनके मैग्नीट्यूड्स भी सेम होंगे, जितने वेक्टर्स होंगे मैग्नीट्यूड भी सेम होंगे, और क्या कहते हैं उनका रिजल्टेंट भी जीरो होगा अगर इंटरनल एंगल उनकी क्या कहते हैं इक्वल हो, उस फिगर के जो उस पर बन रहा हूँ, जो उस फिगर पे बन रहा हूँ, सही है ना? मतलब मैं मिसाल देता हूँ तुम लोगों को, हेक्सागोन तो किसी ने देखा होगा ना, हेक्सागोन किस तरह होता है? जी सर, वो बेंजीन का बना लेना स्ट्रक्चर इस तरह वही का। ना, बेंजीन तो खैर मुझे याद नहीं है, बट खैर तुम लोगों को पता चल गया कि मैं अब ये बिल्कुल हेक्सागोन नहीं है, तुम लोग हेक्सागोन क्या कहते हैं बना सकते हो कि हेक्सागोन क्या होता है? हेक्सागोन का हर इंटरनल एंगल कितना होता है? 120 वन 120 ट्वेंटी वेरी गुड, 120 होता है। सो दैट इज वाई हेक्सागोन के उस पे अगर तुम लोग चलोगे, फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज अ हेक्सागोन इन फ्रंट ऑफ यू ना, और किसी ने कहा कि मैं इस पे चलाया, तो रिमेम्बर कि उस पे क्या कहते हैं नेट उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्यों? इंटरनल एंगल सब क्या कहते हैं सेम बन रहे हैं। गुड हो गया? गुड हो गया सर जी। अच्छा अब क्या कहते हैं कि रिजल्टेंट और डायरेक्शन किस तरह मालूम, ये वेक्टर्स के बेसिक तो तुम लोगों को पता चली गई कि क्या होता है क्या नहीं होता, सही है? अब जरा रिजल्टेंट और डिस्प्लेसमेंट वगैरह का चेक, सही है? मुझे ये बताओ कि ये फॉर्मूला किसने देखा है, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB cos थीटा। सर देखा था रिलेटिव वेलोसिटी में सॉरी सर, वो फिजिक्स का एक चैप्टर है उसमें देखा था रिलेटिव वेलोसिटी में ये किसी ने वेक्टर्स में नहीं देखा अलग के बंदो? सर, वेक्टर्स में भी देखा है लेकिन वहां ज्यादा देखा है। अच्छा इसको यूज किया है कभी वेक्टर्स में? आई एम प्रीटी श्योर नहीं किया होगा। एनीवेज रिजल्टेंट रिजल्टेंट का फाइंड करने के मैग्नीट्यूड लिए फंक्शन है यूज जो, किया था। हाँ अच्छा अब मुझे एक बात बताओ बस, cos 90 क्या होता है? जीरो ओके जीरो, तो ये टर्म क्या हो जाएगा? ये जो मैंने ग्रीन से अंडरलाइन किया इस टर्म जीरो का हो जाएगा ना पोर्शन, वो वेरी गुड। तो फिर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्लस तो अगर दो वेक्टर हुए ए और बी, तो उनका रिजल्टेंट अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है, इट मींस कि उनका एंगल क्या है दरमियान में? जीरो पैरेलल होंगे फिर एक दूसरे, अब अल्लाह के अच्छा बंदे अभी तो बोला कि 90 होगा, हाँ 90-90 होगा फिर 90 होगा। परपेंडिकुलर। तो जब क्या कहते हैं दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, उनके रिजल्टेंट पैथागोरस थ्योरम से आते हैं, सही है? पैथागोरस लॉ लग सकता है ठीक अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो, अगर परपेंडिकुलर ना हो तो फिर ये क्या कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ हर वेक्टर फॉलो करते हैं, उसकी कोई क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट्स कंडीशन मतलब नहीं होती, वो हर वेक्टर फॉलो करते हैं। और क्या कहते हैं उसमें फॉर्मूला ये वाला आता है, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB cos ऑफ थीटा। फिर उसमें कंडीशंस वगैरह बनती है, सही ना? कंडीशंस किस तरह बनते हैं वो मतलब कि हाउ डू द कंडीशंस, और क्या कहते हैं अगर थीटा इंक्रीज हो रिजल्टेंट में क्या होगा, थीटा डिक्रीज हो रिजल्टेंट में क्या होगा, एंड सो ऑन, सही है? अब देखते हैं, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB cos थीटा। अब मैं बोलूंगा, तुम लोगों ने कैलकुलेट करते जाना है, मुझे बताते जाना है, जीरो पे कैलकुलेट करो, थीटा जीरो पुट करो क्या आंसर आता है, थीटा जीरो पुट करो क्या आंसर आता है।
थीटा 0 पुट करो, कॉस 0 1 होता है, मैं लिख देता हूँ, तुम लोग हालांकि आना चाहिए बट मैं चलो लिख देता हूँ, कॉस 0 1 होते हैं, सो व्हाट विल बी दिस? हाँ वेरी गुड, स्क्वेयर रूट ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वेयर या ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ए प्लस बी होल स्क्वेयर, ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट कट गए, या ए प्लस बी मॉडुलस, मतलब एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट मॉडुलस के बराबर होते हैं, सो ए प्लस बी। ये किसी को समझ में आ गया कि व्हेन द थीटा इज 0, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल दे कैन बी एडेड लाइक स्केलर्स, गुड हो गया बॉयज? गुड हो गया सर जी। इसलिए जब मैंने पहला क्वेश्चन दिया तुम लोगों को, दो फोर्स का उसे 5 + 5 = 10 क्यों आ रहा था, एडेड लाइक स्केलर। हाँ भाई ये कोई लिख रहे, बोलो जिसने चैट में, पूछ सकते हो सवाल, बोलो। हाँ सर मुझे भूख लग रही है, मैं खाना खा सकता हूँ? भाई खा लो, किसने रोके? नहीं नहीं सर, वो वैसे ही पूछ रहा था कि माइंड ना कर जाए। नहीं मजे करो यार। अच्छा ये वैसे भी मैं रिकॉर्ड करो, ये मिल जाएगी। ओके बॉयज, सो व्हेन थीटा इज 0, सही है ना, जब थीटा 0 मतलब वेक्टर्स पैरेलल हो तो देन दे आर एडेड लाइक स्केलर, सीधा ए प्लस बी मार के आ जाना, गुड हो गया बॉयज, ये सबको क्लियर हो गया? गुड हो गया सर जी। अब इस फॉर्मूले में ये सारा मिटा दे, तो ये तुम लोगों ने नोट कर लिए, क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट लेना है किसी ने बॉयज? सर ले लिए स्क्रीनशॉट। ओके वेरी गुड। अच्छा बॉयज, अब थीटा जरा 30 पुट करो एंड टेल मी व्हाट डू यू गेट। थीटा 30 पुट करो, थीटा 30 पुट करो, कॉस 30 इज अंडर रूट ऑफ 3/2। ए स्क्वायर हाँ प्लस बी बोल बोलो स्क्वायर बोलो। ओके एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी 3/√ab। हाँ, 3 √ab या √3ab, हाँ सही है, 3 √ab। कोई मुझे बता सकता है कि रिजल्टेंट कम हुआ है या इंक्रीज हुआ है? कम हुआ है वेरी गुड वेरी गुड, कम हुआ है। नाउ थीटा को 60 पुट करो एंड देन टेल मी क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 60, देन मुझे बताओ क्या आता है रिजल्टेंट। ए स्क्वेयर हाँ बोलो। ओके प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस ए बी, यस डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे ए बी के साथ क्या कहते हैं, अंडर रूट 3 है, यहाँ पे 1 है। ओके क्या कहते हैं, कैसे कम हुआ है? अच्छा जस्ट 1 सेकेंड, ये मैं थोड़ा सा डिफरेंट बता देता हूँ। सो व्हेन यू हैव थीटा इज इक्वल टू 0, तुम्हारे पास जो अंदर आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, सही है, जब कॉस 0 होगा, जब कॉस क्या कहते हैं, ये मैं 0 लिख लेता हूँ छोटा, जब कॉस तुम्हारे पास 30 होगा, तुम्हारे पास बनेगा स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos 30 विच इज अंडर रूट 3/2, सो प्लस अंडर रूट 3ab। अब देखो अंडर रूट 3 इज 1.7 और ये 2 है, 2 इज ग्रेटर देन 1.7, सो ये क्या कहते हैं, रिजल्टेंट तुम्हारा स्लो छोटा हो गया है, सो आर एट 60 कर लो, एट 60 जब तुम करोगे तो तुम्हारे पास आएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस तुम्हारे पास ये हो जाएगा cos 60 cos 60, 1/2, 2 2 कैंसिल हो जाएंगे प्लस ए बी। ये कौन सा फॉर्मूला है बॉयज, ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, कौन सा फॉर्मूला है? तो कोई बताएगा कौन सा फॉर्मूला है? सर वो क्यूब वाला नहीं है। ये कोई फॉर्मूला भी नहीं है, मुझे लगा तुम लोग ए प्लस बी होल स्क्वायर बोल दोगे, लेकिन ये कोई फॉर्मूला नहीं है। सो क्या कहते हैं, ये अंडर रूट 3 है व्हिच इज 1.7 और यहाँ पे 1 आ रहा है, सो व्हाट डज इट मीन, इट मींस कि ये डिक्रीज हो चुका है। ये तुम्हें समझ में आ गया फा क्या? ओके सिमिलरली तुम लोग 45 के लिए भी कर सकते हो, यहाँ पे अंडर रूट 2ab आ जाएगा, आर एट 45, अगर 45 एंगल पुट करोगे तो ये यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस अंडर रूट ऑफ ए बी, अंडर रूट 2ab। अच्छा 90 पे क्या आएगा, आर ऑफ 90, रिजल्टेड एट 90 क्या आएगा, वो तो तुम लोगों ने पहले से कर लिया, रिजल्टेड एट 90 आएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, गुड हो गया बॉयज। अब इसको फिगर के मुताबिक देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये दो वैक्टर्स है, ये ए हो गया और ये बी हो गया, सही है, ए दोनों पैरेलल है, मैक्सिमम कितना होगा, ए प्लस बी सीधा हो जाएगा राइट, रिजल्टेड मैक्सिमम होगा,
अब देखो ये ए है ये बी है, अब कोई एंगल आ गया जीरो के अलावा, तो अब रिजल्टेंट ए बी से कम होगा, ए प्लस बी से कम होगा, सही है। अब देखो जब ये 90 हो गया, ये ए हो गया ये बी हो गया, ये दो वेक्टर है, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये दो वेक्टर है ए बी, एंगल 90 आ गया तो ये ए बी से कम, ए प्लस बी से कम होगा, सही है। कुछ एंगल होगा लेकिन ए प्लस बी से कम होगा, ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड से कम होगा दोनों का एडिशन। अब देखो अब ये ए है और ये बी है, मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको, सर मतलब जैसे जैसे 90 की तरफ जाते जाते हैं तो कम होता जाता है 90 से आगे और भी 90 तुम्हारा, में नाइन्टी जीरो हो से जाता आगे है भी उसके ऑपोजिट जाके कम ही होता है, ये ए हो गया। सर, लेकिन 90 तक मिनिमम हो जाता है ना, फिर उसका सबसे मैक्सिमम की मिनिमम, तरफ जाना लग जाता है लेकिन सबसे नेगेटिव। नहीं, हाँ ये वही सीन है, वही सीन है। नेगेटिव, लेकिन -1 को भी तुम उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव सबसे मिनिमम ही मानते हो, क्योंकि देखो ये जब 180 पे आ जाते तो इनका क्या कहते हैं जो वेक्टर एडिशन होता है वो ए माइनस बी हो जाता है। उसमें एक मुद्दा है, मुद्दा ये है कि जो तुम्हारा रिजल्टेंट होगा वो लाई करेगा या तो मैक्सिमम में लाई करेगा ए प्लस बी में, या फिर लाई करेगा ए माइनस बी में, ए माइनस बी, सही हो गया बॉयज, ए माइनस बी। अच्छा अब देखो अगर मैं तुम लोगों से बोलूँ ना कि क्या कहते हैं एक एक पत्थर है, सर पत्थर है, पत्थर पे दो बंदों ने फोर्स लगाया, पहले बंदे का फोर्स है 25 न्यूटन और दूसरे बंदे का फोर्स है 23 न्यूटन, एक बंदे का फोर्स है 25 न्यूटन, दूसरे बंदे का फोर्स है 23 न्यूटन, उनने तुम लोगों को एंगल का कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया कौन सा एंगल पर लग रहा है किस पर नहीं लग रहा है, कुछ नहीं बताया, सिर्फ बताया कि एक बंदे का 25 न्यूटन लग रहा है, एक का 23 न्यूटन लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिजल्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिजल्टेंट, इनमें से कौन सा रिजल्टेंट नहीं हो सकता। नंबर वन इज 40, क्या कहते हैं 45, 48 एंड क्या कहते हैं 3 न्यूटन एंड 8 न्यूटन, 18 न्यूटन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए रिजल्टेंट, सर 3 न्यूटन वजह बताओ। सर, क्योंकि हम ऐड करेंगे और इसको माइनस भी कर लेंगे ना, हाँ तो वेरी हमारे पास गुड वेरी मैक्सिमम और गुड, मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। 25 + 23 क्या होता है 48, 48 भी लग सकते हैं, 45 भी लग सकते हैं क्योंकि उसके रेंज में आ रहे हैं, 18 भी लग सकता है, लेकिन इनको जब सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि मिनिमम तो सब्ट्रैक्शन ही होगा, सबसे मिनिमम सबसे कम कब आएगा, जब 25 - 23 करोगे तो वो 2 न्यूटन आ जाएगा, विच इज, अब 2 न्यूटन आ रहा है इसमें या नहीं सर वो तो नहीं आ रहा है, अल्लाह के बंदे आ रहे इट आ रहे आ रहे सर, आ रहे आ रहे मींस भाई के कितने करेक्ट है, सारे करेक्ट है, सर, सारे ठीक है। मैं वेरी गुड। अब अगर मैं यहाँ पे 49 न्यूटन लिखता तो क्या 49 न्यूटन आंसर आ सकता था, नहीं सर वो नहीं आ हाँ सकता। वेरी गुड, क्योंकि 25 + 23 48 होता है, 48 से ज्यादा तो नहीं आ सकता ना, मैक्सिमम भी तो 48 होगा। गुड हो गया बॉयज। गुड हो गया सर जी। अच्छा ये अगर तुम सब लोगों को क्या कहते हैं समझ में आ गया है ना, मुझे ये बताओ कि क्या कहते हैं सर ये यार, समझ में आ गए सर, आपने खाने में क्या खाया? सीरियसली ब्रो यू आर आस्किंग मी, सर यार बस आप डिस्टर्ब ना करें यार प्लीज, अगर आपने खाने में कोई अच्छी चीज खाई तो इसका ये मतलब नहीं है क्या। जी कंटिन्यू करें आप। यार ये से था कौन, खैर एनीवेज ओके, क्या कहते हैं जस्ट गिव मी, अच्छा मैं तुम लोग को दूसरा लिंक सेंड करता हूँ, सही है इसका टाइम खत्म होने वाला है, सही है ठीक हो गया सर जी। ओके।